कढ़ाई के अंदर ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा ऑयल और बना रही हूँ मैं बहुत ही अमेजिंग पनीर भुर्जी मसाला। ऐड किया है मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, एक बड़ा सा प्याज, थोड़ा सा नमक। अब ये जो प्याज है ना बहुत अच्छी तरह से भूनने हैं, इसलिए मैंने नमक यहीं पर ऐड कर दिया है सो दैट ये बहुत अच्छी तरह से लाल हो जाएंगे। एकदम थोड़े ज़्यादा लाल वाले प्याज हमको इस रेसिपी में चाहिए। जब तक प्याज भून रहे एक मसाला तैयार करेंगे, थोड़ा सा दही, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, एक मैगी मसाला का पाउच, धनिया, मिर्ची, हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर ऐड करेंगे और ये जो सारी चीज़ें हैं इसको बिना पानी के अच्छी तरह से फेट करके मिक्स कर लेंगे। एक बहुत बढ़िया सा यूनिफॉर्म सा थिक सा पेस्ट बनाएंगे। बस एक चम्मच दही वुड्डू। अभी आप देखें ये पेस्ट कैसा तैयार हुआ है, इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसमें दही था, एकदम ही बढ़िया बहुत अच्छा फेटा हुआ ये मसाला तैयार हो गया है। तो अभी प्याज देखें अच्छे लाल हो गए, यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, ये मैंने फ्रेशली पाउंड किया और प्याज थोड़े से ज़्यादा लाल हुए हैं, ऐसे ही चाहिए। अभी जो जिंजर गार्लिक है इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसकी जो रॉ स्मेल है वो चली जाएगी और ऐसा होने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची और एक टमाटर, बस एक मीडियम साइज़ का टमाटर काट करके मैंने ऐड कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें वापस भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर एकदम ही सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर बिल्कुल अच्छे से भुन जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए, तब इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ये जो मसाला भी हमने बना के रखा था और इसके बाद ये मसाला भी भूनेंगे। अभी आप खुद देखिएगा मसाले का कलर कैसे चेंज होगा। आप इसको भूनते जाइए तो इसका अंदर जो दही के अंदर जो फैट का कॉन्टेंट है ना वो रिलीज़ हो जाएगा, आपको ये थोड़ा सा ऑयली भी लगेगा, ऑल्सो भूनते भूनते ये मसाला काफ़ी ज़्यादा डार्क भी हो जाएगा, आप खुद नोटिस कीजिएगा। अच्छी तरह भुन जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे टमेटो प्योरे, आधा इस पैकेट के अंदर जो प्योरे होता है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसे स्टर दे दीजिए, थोड़ा एक मिनट जैसा पका लीजिए और इस स्टेज पे आप इसके अंदर फिर कुछ एक और चीज़ें ऐड करेंगे। थोड़ा सा शुगर ऐड कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा कसूरी मेथी। शुगर सिर्फ टार्ट को बैलेंस करने के लिए, ग्रेवी को स्वीट करने के लिए नहीं ऐड किया है। इसके बाद यह है पनीर, जो 200 ग्राम्स का चंक होता है वही मैं इस तरह हाथ से रफली क्रम्बल करके ऐड कर रही हूँ। कुछ पीसेस छोटे कुछ बड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा टेक्सचर आता है पनीर भुर्जी का। गिव इट अ रियली गुड मिक्स और इसके बाद ऐड कीजिएगा इसके अंदर गर्म पानी। ठंडा पानी नहीं ऐड करना है, उससे पनीर एकदम श्रिंक हो जाता है और च्यूईनेस आ जाती है उसके अंदर। गर्म पानी ऐड करें उतना जितना आपको लगता है आपको आपके पनीर भुर्जी मसाला में ग्रेवी चाहिए और बस ढक्कन लगा के 2-1 मिनट पकाएं। इस तरह कोरमा ऊपर छूट पड़ेगा तो गैस कर दीजिएगा बंद। इसको देंगे एक अच्छा सा स्टर। आप इसको थोड़ा और ज़्यादा सूखा, थोड़ा और ज़्यादा रनी रख सकते हो, ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस, आपको कैसा अच्छा लगेगा, बट मेरे लिए इट इज़ जस्ट परफेक्ट गुड टू गो। अच्छी तरह से स्टर दे दीजिए, इसकी खुशबू, इसका कलर, इसका टेस्ट आप देखिएगा, देखकर ही इसका कलर बता रहा है कि ये कितना अमेजिंग बना है। थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें डाल दूंगी, मिक्स कीजिए और ये आपका बहुत ही बढ़िया वाला मस्ट ट्राई है, आप बनाकर ज़रूर से देखना। पनीर भुर्जी मसाला हो गया है रेडी। गार्निश कर रही हूँ मैं इसे थोड़े से हरा धनिया और अनियन राउंडल्स के साथ और मैं फिर से कह रही हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको सर्व कर रही हूँ मैं गर्मा गर्म फुलके के साथ, आप इसके साथ पराठा पूरी जो चाहें वो कर सकते हैं, राइस भी अच्छा लगेगा और थोड़े से प्याज इस तरह लच्छा में काट के हरी चटनी के साथ, आहा।